Now 1.6, 4-point charges QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो अब देखो कि हमें ABCD स्क्वायर लेना है, राइट? और हम ये जो चार चार्जेस हमें दिए हैं वो रिस्पेक्टिवली हम ABCD पे रख दे, तो ABCD ऐसे अरेंज करें, तो देखो आप कि A एंड C पे 2 microcoulomb चार्ज आएंगे एंड B एंड D पे -5 -5 microcoulomb चार्ज आएंगे। तो अब क्या होगा कि फोर्स ऑन दिस 1 microcoulomb बाय दिस 2 microcoulomb एंड बाय दिस 2 microcoulomb बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये -5 microcoulomb एंड ये -5 microcoulomb जो 1 microcoulomb पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे, तो वो भी कैंसल हो जाएंगे। मतलब कि नेट फोर्स ऑन दिस 1 microcoulomb प्लेस्ड एट द सेंटर दैट विल कम टू 0। सो द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर इज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ √2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। सिंस ऑपोजिट हैव इक्वल चार्जेस forces along both diagonals will be balanced. So, resultant force on 1 microcoulomb charge at O that will be 0. Clear, bachcho?